नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं बिहार की कुछ खास खबरों की। भोजपुर बिहार के सभी जिलों में सबसे निचले पायदान पर। जी हां, भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही NCD कार्यक्रम के तहत दो प्रमुख अभियान PBS पॉपुलेशन बेस्ड मास स्क्रीनिंग और OS ऑपरचुनिस्टिक स्क्रीनिंग में भोजपुर जिला क्रमशः 38 एवं 33वें स्थान पर विद्यमान है। PBS के लिए जिला के आशाएं एवं NM की अहम भूमिका है। आशाओं को दो प्रकार का फॉर्म, फैमिली फोल्डर और सीबैक फॉर्म घर घर जाकर स्वास्थ्य संबंधी सूचना भरना है। इसी कार्य के लिए हाल फिलहाल में सरकार एंड्रॉइड फोन मुहैया कराई है, फिर NM के टैबलेट पर अपलोड कराना है। NCD पोर्टल पर अपलोड होते ही आशाओं के खाते में प्रति फॉर्म 10 रुपए और NM को प्रति एंट्री 5 रुपए उसके खाता में पहुँच जाएगी। ये सभी भुगतान संजीवनी पोर्टल से डायरेक्ट खाते में पैसा जमा होगी। सरकार द्वारा इंसेंटिव के मद में पैसा रहते हुए भी इस काम में अनभिज्ञता व लापरवाही बरती जा रही है। NCDO डॉक्टर प्रवीण कुमार सिन्हा के अथक प्रयास के बावजूद भी भोजपुर के रैंकिंग में विगत 2-3 वर्षों में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। इस कार्य में गति प्रदान करने के लिए स्वास्थ्य संवर्ग के कर्मियों के साथ साथ प्रशासन के सहयोग की आवश्यकता है। जिस प्रकार की तत्परता अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम में दिखाई पड़ता है, वैसी तत्परता NCD के महत्वपूर्ण कार्यक्रम PBS के प्रति देखने को नहीं मिलता। इस कार्य के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने सप्ताह के बृहस्पतिवार को सुनिश्चित किया गया था, पर उसी दिन स्वास्थ्य सेवा के अन्य कार्यक्रम को रखकर NCD के कार्य को दरकिनार कर दिया जाता है। प्राथमिकता के अभाव में PBS का कार्य की महत्ता को लोग भूलते जा रहे हैं। नतीजा, भोजपुर जिला विगत 2-3 वर्षों से 38वां स्थान से एक पायदान भी ऊपर खिसक नहीं रहा है। इस काम को गति तभी मिल पाएगी जब NCDO को सिविल सर्जन DPM प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी BHM BCM एवं BMNE सभी लोगों की दुरुस्त सहभागिता, तत्परता और अनुश्रवण प्रणाली प्राप्त न हो जाए। प्रशासन का दबाव भी कार्य प्रणाली में सुधार के लिए नितांत आवश्यक है। OS में रैंकिंग बढ़ाने के लिए संपूर्ण डाटा को ससमय भेजना व NCD के नियमों को अक्षर से पालन करने की आवश्यकता है, जैसा कि NCDO ने सभी को अवगत करा चुके हैं। भोजपुर कई क्षेत्रों में अपना पंचम फहराया है, फिर इस काम में पीछे क्यों? भोजपुर संवाददाता विजय शंकर ओझा की रिपोर्ट। एनएम को पेट कीजिए, एनएम से लीजिए 500-200 टारगेट बनाइए। टारगेट ओरिएंटेड एक्टिविटीज होगा तभी आप ऊपर उठिएगा, वरना ऐसे ही पड़े रहिएगा। 4 साल से है, 2-4 साल और हो जाएगा, साहब रिटायर कर जाएंगे, हम रिटायर कर जाएंगे, दुनिया ही चलता रहेगा, भोजपुर का नाम ऐसे ही डूबता रहेगा। तो ये आप यहाँ आकर